हेलो एवरीवन, बहुत दिन मूरत मैं भिडिओ स्टार्ट कर आज मैं टपिक एट लैसो जी खूब अनकमन है बेसिके मानु डिस्काश नक एज ए फिटनेस ट्रेनर एंड फिजिओथेरापिस्ट मैं टपिक तो मैंने के कब विचार कबा ना और सीट हम थोरेसिक मोबिलिटी और स्केपुलर स्टेबिलिटी। थोरेसिक मोबिलिटी कहते आम थोरेसिक स्पाइन की गम पा लगे। थोरेसिक स्पाइन हम राजार सीट पार्ट जी अपना अपार बेकत जी मैं राजार पार्ट सीट थोरेसिक स्पाइन क्या और थोरेसिक स्पाइन ऊपर पार्ट तो डिंगर जी पार्ट तो सार्वाइकल स्पाइन क्या और कंकाल पार्ट तो लम्बर स्पाइन क्या ये गोटेखी अपना राजार पार्ट है। तार जी थोरेसिक पार्ट सीखर काम कि है थोरेसिक स्पाइन तो साधारण बेस है स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर है जीट अपना रिपकेज तो धरी रखे तार सार्वाइकल जी पार्ट जी अपना इन मुभमेंट करा जी पार्ट डिंगी तो अपना जाने कि मुभमेंट करी अनबारे डिंगी तो नलरकें मानु थक ना शुई थक थी थक बहि थक कथा कौक डिंगी तो अलग हम लड़ी थक और मुभमेंट पसिबल कर जो स्टेबिलिटी अपना थोरेसिक स्पाइन दिए और थोरेसिक स्पाइन रिपकेज तो धरी रखे जी इन इम्पर्टेन्ट स्ट्रक्चर रिपकेज तो अपना हार्ट लांगस जी भर मैं स्ट्रक्चारखिनी प्रटेक्टेड कर रखे जो अपना रिपकेज नाथकिलेन अपना हार्ट तो डायरेक्टली एक्सपोज हम डायरेक्टली क्या हिट कर पारे डायरेक्टली पड़ गए ताते ही लगिले गति के रिपकेज तो इन इम्पर्टेन्ट और ये इम्पर्टेन्ट स्ट्रक्चार धरी आस अपना थोरेसिक स्पाइने। एतिया आमी गम पा लगे जो थोरेसिक स्पाइन तो स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर जो स्टेबिलिटी लगातक बेसिओ है धरक थोरेसिक स्पाइन तो बहुत स्टिफ बहुत मानव देखा जाए कूजा है बहुते बहुते फरवर्ड बेन्डिंग जब काम करते करते शोल्डार राउंडेड हो जाए शोल्डार कटा आगर फाले गुस जाए और स्केपुला कटा पिछफाले ठेला जाए स्केपुला दूटा बनी स्ट्रक्चार डांगर चराइर पाखिर निचिना पिछफाले थके स्ट्रक्चार पिछफाले जुंगार निचिना हो जाए और आगफाले शोल्डार कटा हाली आए और मानुबाक कूजा हो जाए और यू है जैसे एक्सेसिव कम्पिटार मोबाइल एक्सेसिव फरवर्ड बेन्डिंग लिखा पढ़ाए हमको कम्पिटार यूजे हमको जो बेसिके जाए तो प्रब्लेम तो देखा जाए और सीट हमें कि है जैसे अपना लगातक बेसि कूजा है स्केपुला कटा नर्मेली मुभमेंट नक मेडिकल टर्म एट आस स्केपुलो ह्यूमरल रिदम जैसे ह्यूमरस तो अपना 90 डिग्री आप उठे तैयार स्केपुला तो अटोमेटिक मुव हम जो स्केपुला तो मुव नोहक हाथ उठाओं ओनलि 90 डिग्री 100 डिग्री अक उठ 120 मेक्सिमाम उठ तक ऊपर जीखी डिग्री आसने स्केपुला मुभमेंट नोहक पसिबल ना जो स्केपुला स्टिफ रखा जाए हाथ बेसि नुठ ये मानते स्टप हो जा तो गति के स्केपुलर मुभमेंट प्रयोजन थोरेसिक मोबिलिटी प्रयोजन थोरेसिक स्पाइन तो अलग अलग मुभमेंट लगे तैयार स्केपुला ऊपर ग्लाइड कर पार गति के आम जी लाइफ स्टाइल कटा ये लाइफ स्टाइले आम साधारण थोरेसिक स्पाइन तो बहुत स्टिफ कर दी तारगते आम बहुत शोल्डर पेन है नेक पेन है बेक पेन है ये बहुत बस्तु है थोरेसिक स्पाइन तो किन्तु नेग्लेक्ट करा जाए डायरेक्ट ट्रीटमेंट तो लोअर बैक बा डिंगिर फाले फोकस्ड हो जाए किन्तु थोरेसिक स्पाइन के इयर प्रब्लेम तो लुकाय थाके गति के थोरेसिक स्पाइन तो नेग्लेक्ट करिब ना लागे बहुते डिंगिर व्यायाम करे ककाल व्यायाम करे थोरेसिक स्पाइन तो एरि दिए तो गति के मैं दुटामान एक्सरसाइज लैसो एकटा करिले पिठिर कोज लगते मोबिलिटी थोरेसिक मोबिलिटी और स्केपुलर स्टेबिलिटी घूरा आनबले सक्षम हम आशा कर इतना देखा गई से एजन लड़ाई ठिया से नर्मेली और ठिय होते हाथ दुख नर्मेली हेंग से तारगते बुढ़ा आंगुलीकटा फरवर्ड फेसिंग आगर फाले फेस हो तार पद देखिल लड़ा ठिय नर्मेली हाथ दुख हेंग कर ठिय होते बुढ़ा आंगुलीकटा इनवर्ड फेसिंग भर फाले फेस कर प्रथम भिडिओ जी लड़ार बुढ़ा आंगुलीकटा फरवर्ड फेसिंग शोल्डारकटा नर्मेल आस मैं राउंडेड शोल्डार नए स्केपुला कटा नर्मेल नर्मेल पजिशन आँ फरवर्ड बेन्डिंग कूजा होने और सेकेंड लराजने किसे ठिय होते बुढ़ा आंगुलीकटा आगर भर फाले फेस कर मैं फरवर्ड स्ट्रक्चार कटा टाइट आस मैं चेस्टर स्ट्रक्चार टाइट आस तार फल शोल्डारकटा आगर फाले कूजा हो गए ये आम फार्ष्ट एक्सारसाइज यू क्वाड्रुपेड वर्ल्ड स्लाइड मैं कैसा इते आम आठ काढ़ी हाथों सहयत भर दू पजिशन लोर पीछे एन हाथ वालत एनेक स्लाइड स्लाइड कर मानने प्रयोजन है जैसे हाथ स्लाइड करा जाबो आपुनी निजर स्केपुला मैं पिठिर जीखिनि पार्ट सीखिर आपुनी एटा जोर अनुभव करिबो दुखन हाथते रिपीट कर बेसि नाले सिक्स टाइम्स रिपीट कर। नेक्स्ट एक्सरसाइज तो बहुत पपुलर है यूर नाम हल फेस पुल एक्सरसाइज तो करोते आपनर मिडिल और लोअर ट्रेपिजेस बहुत फोकस है तार लगते रियर डेल्स और पोस्टीरियर जीखिनि स्ट्रक्चर है सीखिनि बहुत खिनि प्रेसर पड़े तार लगते
रोटेटर काफ मासल खिनियो ट्रेन होय आरो फ्रंटर जेखिनी स्ट्रक्चर आसे जेने पेक्टोरल मासल खिनि आसे हेखिनी आपनर स्ट्रेच पोजिशन आहे गुटिके ए एक्सरसाइज टू पोस्चर करेक्शनर कारणे बहुते इफेक्टिव एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज जिकटा आसे गेटा ता सेटअप करा जाय चारिटा एक्सरसाइज गुटे गिटा आमी एटा एटा लेटर नामेरे मोड राखिबो लागे हेकिटा होल डब्ल्यू आई टी वाई विटी साउ हा एतिया प्रथम एक्सरसाइज टू एटु होल डब्ल्यू এটো ডাব্লিউ নিচিনা ডাব্লিউ আখৰটোৰ নিচিনাকৈ হাতখন এবাৰ ওপৰৰ ফালে এবাৰ তলৰ ফালে এনেকৈ নিব লাগে তলত অলপমান স্কুইজ কৰি ওপৰৰ ফালে আনিব লাগে এই এক্সাৰচাইজটো ছয়বাৰে ৰিপিট কৰিব লাগে এই এক্সাৰচাইজটো আই আখৰটোৰ নিচিনাকৈ বডিটো সজাই ল'ব লাগে মানে হাত দুখন আগৰ ফালে কৰিলেই আই নিচিনা হৈ যাব গোটেই বডিটো এইটো ছয়বাৰে ৰিপিট কৰিব লাগে এইটো হ'ল টি এক্সাৰচাইজটো টি আখৰৰ নিচিনা হ'ব লাগে বডিটো এইটো ছয়বাৰে ৰিপিট হ'ব লাগে আৰু এইটো হ'ল ওৱাই এক্সাৰচাইজ এই গোটেইকেইটা মিলি ডব্লিউ আই টি ওৱাই ইচ এক্সাৰচাইজ ফৰ ছিক্স ৰেপছ অনলি এই গোটেইকেইটা কৰি থাকিলে স্কেপুলাৰ ষ্টেবিলিটি বাঢ়িব থ'ৰেচিক মবিলিটিও বাঢ়িব আৰু দুটা এক্সাৰচাইজ মই ইয়াতে দেখাইছোঁ এইটো হ'ল এঞ্জেলছ এণ্ড ডেভিলছ এই এক্সাৰচাইজটো গোটেই পিছফালৰ যিখিনি ষ্ট্ৰাকচাৰ গোটেইখিনি মুভমেণ্ট প্ৰায় হৈ যায় আৰু আপোনাৰ স্কেবুলাটো ধৰি ৰখাত সহায় কৰে এক্টিভিটিবিলাকত ৱেইট লিফটিং হওক বেঞ্চ প্ৰেছ কৰাতে হওক মিলিটাৰী প্ৰেছ কৰাতে হওক গোটেইখিনি আপোনাৰ সহায় কৰিব